दोस्तों, एक जमाने में जब चंकी पांडे का सिक्का चला तो लोग कहते थे कि यह बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार है। लेकिन चंकी पांडे के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अभिनय करे, क्योंकि परिवार में किसी ने कभी अभिनय नहीं किया था। तो पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने। चंकी पांडे के पिता एक मशहूर हार्ट सर्जन थे। चंकी पांडे के पिता का नाम शरद पांडे था। जिन डॉक्टरों ने दिल का पहली बार ऑपरेशन किया, उस लिस्ट में शरद पांडे का भी नाम दर्ज है। चंकी पांडे की मां स्नेहलता पांडे भी डॉक्टर थे। चंकी पांडे डॉक्टर क्यों नहीं बने, कैसे उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई और कैसे उनका नाम चंकी पड़ा, इसके पीछे की वजह काफ़ी दिलचस्प है। 26 सितंबर 1962 को जब चंकी पांडे पैदा हुए थे तो घर वालों ने उनका नाम सुरेश रख दिया। उस समय वो काफ़ी गोल मटोल हुआ करते थे। चंकी पांडे की देखरेख एक नैनी किया करती थी। वो नैनी सुरेश को चंकी कहकर बुलाया करती थी और बाद में हुआ कुछ ऐसा कि घर में सभी उन्हें प्यार से चंकी कहने लगे और सुरेश नाम भूल गए और तभी से उनका नाम चंकी पांडे पड़ गया। चंकी जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ कई फिल्मी सितारों के बच्चे भी पढ़ा करते थे और वो सब अपने माँ बाप के फिल्मी किस्से सुनाया करते थे। बचपन से बॉलीवुड के इतने किस्से जानने के बाद चंकी को सिनेमा में जाने की इच्छा होने लगी। पढ़ने में भी वो जीरो थे तो माँ बाप ने भी मना नहीं किया। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो वो बॉलीवुड का रास्ता तलाशने लगे। तब चंकी पांडे के माँ बाप ने उन्हें समझाया कि पहले अभिनय तो सीख लो, फिर कोशिश करना। 1986 की बात है, 23-24 साल के चंकी पांडे पहुँच गए डेजी ईरानी के स्कूल में, जहाँ उन्होंने अभिनय की ABCD सीखी और फिर वहीं नौकरी भी शुरू कर दी। उसी स्कूल में उन्होंने सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स को अभिनय और डांस की ट्रेनिंग भी दी थी। 1987 में चंकी पांडे फिल्म आग ही आग से बॉलीवुड में डेब्यू किया। चंकी पांडे ने पाप की दुनिया, खतरों के खिलाड़ी, जहरीले और आँखें सहित अन्य सुपरहिट फिल्में देकर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया। चंकी पांडे ने 1988 की सुपरहिट फिल्म तेजाब में अनिल कपूर के दोस्त का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। एक के बाद एक फिल्मों से चंकी पांडे के नाम का सिक्का चलने लगा। लेकिन अभी वह फिल्म आनी बाकी थी जिसके बाद लोग उन्हें भविष्य का सुपरस्टार कहने लगे थे। साल 1993 में अभिनेता अनिल धवन के छोटे भाई डेविड धवन फिल्म मेकिंग में नाम कमाने लगे थे। एक दिन उन्होंने चंकी पांडे को बुलाया और बोले, एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें दो हीरो हैं, एक हीरो तुम और दूसरे गोविंदा हैं। फिल्म का नाम था आंखें। रिलीज होते ही फिल्म सिनेमा घरों में छा गई। गोविंदा और चंकी पांडे की जोड़ी सुपरहिट हो गई। इसके बाद वह कामयाबी के शिखर पर पहुँच गए। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है और इसका शिकार चंकी पांडे भी हुए। 80 के दशक में जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तो जानबूझकर ऐसी फिल्मों को चुनते थे जिनमें ढेर सारे स्टार होते। चंकी पांडे का मानना था कि अगर फिल्म फ्लॉप भी हो गई तो एक के सिर पर ठिकरा नहीं फूटेगा। बस यही होशियारी चंकी पांडे को ले डूबी। हुआ यूं कि फिल्म आंखें की अपार सफलता के बाद चंकी पांडे को गुरूर आ गया। उन्हें लगा, अब तो मैं बड़ा स्टार बन गया हूँ और अब मैं अकेले हीरो वाली फिल्म ही करूंगा। लेकिन हुआ कुछ बिल्कुल इसके उल्टा। चंकी पांडे को फिल्म मेकर्स के कई ऑफर आए, लेकिन वही किरदार जिन्हें वो अब तक निभाते आए थे। लेकिन चंकी पांडे मन बना चुके थे कि अब वैसे किरदार नहीं करेंगे। धीरे धीरे मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर खत्म हो गया और चंकी पांडे को ऑफर आने भी बंद हो गए। कैरियर ठप होने की वजह से चंकी पांडे काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। उसी दौरान उनके एक बांग्लादेशी दोस्त ने उन्हें बांग्लादेश आने की सलाह दी। चंकी पांडे मजबूरी में बॉलीवुड छोड़कर बांग्लादेश चले गए और वहां फिल्में करने लगे और वहां उन्हें पसंद भी किया जाने लगा। 1995 में पहली बार चंकी पांडे ने बांग्लादेशी फिल्म में लीड रोल अभिनय किया। स्थानीय भाषा न आने के बावजूद चंकी पांडे ने बांग्लादेशी फिल्मों में स्टारडम हासिल किया। चंकी पांडे ने बांग्लादेशी सिनेमा में स्वामी केन्नो आसामी, वेश कोरेचे प्रेम कोरेचे, मेयराए मानुस सहित अन्य हिट फिल्में दी। लेकिन चंकी पांडे का मन वहां नहीं लगा। चंकी पांडे ने बॉलीवुड में फिर वापसी की। 2003 में कयामत फिल्म से चंकी पांडे ने बॉलीवुड में वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने वैज्ञानिक का निगेटिव रोल निभाया। इसके बाद उन्होंने हाउसफुल सीरीज के चारों फिल्में की। बुलेट राजा और बेगम जान जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। कैरियर के इस दौर में ज्यादातर उन्होंने निगेटिव रोल किए।
तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड के मशहूर कलाकार चंकी पांडे से जुड़ी कहानी। मिलते हैं फिर एक फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।